देखेंगे दिल्ली के बुराड़ी में हुई 11 मौतों की, जिसकी मिस्ट्री पर से अब पर्दा हटता जा रहा है। पुलिस को संत नगर के घर से शवों के अलावा जो रजिस्टर बरामद हुआ है उसमें लिखा हर शब्द भाटिया परिवार की मौत को अंधविश्वास और मोक्ष की प्राप्ति के लिए उठाए गए कदम की ओर ले जा रहा है। अब इस रजिस्टर में लिखी एक और हैरान कर देने वाली जानकारी सामने आई। अब तक की जांच में ये बात सामने आ रही है कि भाटिया परिवार के छोटे बेटे यानी कि ललित भाटिया ने पूरे परिवार की मौत की पटकथा लिखी थी। जांच टीम को ऐसे सबूत मिले हैं कि रजिस्टर में मौत की कहानी ललित के हाथों से लिखी गई, और अब पता चला है कि ललित के पिता ही उसका मार्गदर्शन कर रहे थे, वो पिता जो इस दुनिया से पहले ही जा चुके। वही सपने में आकर ललित को बताते थे कि क्या करना है और कैसे करना है। जांच टीम सूत्रों के मुताबिक रजिस्टर में कुछ इसी तरह की बातें लिखी पाई गई है। रजिस्टर में लिखा है कि पिताजी ने कहा है कि आखिरी समय पर झटका लगेगा, आसमान हिलेगा, धरती हिलेगी, लेकिन ललित को बताते थे कि क्या करना है और कैसे करना है। जांच टीम सूत्रों के मुताबिक रजिस्टर में कुछ इसी तरह की बातें लिखी पाई गई है। रजिस्टर में लिखा है कि पिताजी ने कहा है कि आखिरी समय पर झटका लगेगा, आसमान हिलेगा, धरती हिलेगी, लेकिन तुम घबराना मत, मंत्र जाप तेज कर देना। इस रजिस्टर में आगे लिखा है कि मैं तुम्हें बचा लूंगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जब पानी का रंग बदलेगा तब नीचे उतर जाना, एक दूसरे को नीचे उतारने में मदद करना। तुम मरोगे नहीं बल्कि कुछ बड़ा ही हासिल करोगे। यानी कि ललित को अपने पिता से इस बात के निर्देश मिल रहे थे कि क्या करना है, कैसे करना है। तमाम जो बातें वो इस रजिस्टर में इस बात का जिक्र किया गया। तो रजिस्टर ही इस केस में अब तक की सबसे बड़ी कड़ी है, जो कि बता रही है कि जो कुछ भी हुआ होगा उस रात शनिवार की रात को वो क्या हुआ होगा। यानी कि जो रजिस्टर है उसमें एक एक बात दर्ज है, और यही जो रजिस्टर में लिखी एक एक बात है ये पुलिस को इस ओर ले जा रही है कि इस पूरे जो 11 लोगों की मौत हुई है इसका कर्ता धर्ता, इसको तैयार करने वाला वो कहीं ना कहीं ललित भाटिया ही है। बुराड़ी मामले में घर से कुछ ऐसे इत्तेफाक हैं जो सामूहिक मौत के पीछे तंत्र मंत्र की ओर इशारा कर रहे हैं। घर में 11 लोगों के शव मिले, आशंका है कि सभी ने सामूहिक खुदकुशी की है। घर में 11 पाइप मकान की दीवार से निकले हैं, मरने वाले भी 11 हैं। 4 पाइप सीधे हैं और मरने वालों में 4 पुरुष हैं, 7 पाइप मुड़े हुए हैं। अब आप इत्तेफाक देखिए कि परिवार में 7 महिलाएं हैं। घर में जो रोशनदान बना हुआ है उसमें भी 11 एंगल लगे हुए हैं। ये 3 तस्वीरें हम आपको उसी इत्तेफाक के दिखा रहे हैं जो एक साथ एक ही घर में होते चले जाते हैं। 11 लाशें होती हैं, 11 पाइप निकलते हैं, और उन 11 में 7 और 4 का रेशियो रहता है, और पाइप का रेशियो भी कुछ ऐसा ही है। और 11 सरिये जो घर में लगाए गए हैं वो भी 11 सरिये लगाए गए। हम 3 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से 11 का कनेक्शन जो है इस पूरे मामले के साथ, इस पूरे मिस्ट्री के साथ, 11 लोगों की मौत की मिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है। ये देखिए पहला इत्तेफाक, ये जो घर का जो दीवार है घर की, उसके बाहर की साइड को ये पाइप निकले हुए थे। परिवार में 11 लोगों की मौत होती है। अब आप देखिए कि कितना जबरदस्त इत्तेफाक है, और घर की बाहरी दीवार जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं उस पर से भी 11 पाइप बाहर की ओर निकले रहते हैं। अमूमन आमतौर पर किसी घर में ऐसा होता नहीं है। घर के दरवाजा जो है उस पर लोहे के कुल 11 एंगल उसको कह लीजिए या 11 पत्तियां कह लीजिए ये लगी हुई थी। मुख्य दरवाजे के ऊपर रोशनदान में लोहे के 11 एंगल्स लगे हुए हैं। ये देखिए यहां भी 11 का फिगर। घर में कुल खिड़कियां भी अगर आप काउंट करेंगे तो वो भी 11 ही बैठती हैं, और परिवार के भी उस रात को यानी कि शनिवार की रात को 11 लोगों की मौत हुई थी। ललित के कहने पर परिवार के सदस्य फांसी पर लटके हैं। अब तक की जो जांच में ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं। ललित ने ही कहा था कि इससे भगवान के दर्शन होंगे, मोक्ष प्राप्त होगा, मुक्ति मिलेगी। ये बातें रजिस्टर में भी दर्ज हैं। ललित ने कहा था कि बरगद की तरह लटकने से भगवान के दर्शन होंगे, क्योंकि आपको याद दिला दें कि इस पूरे मामले में बट पूजा की जो बात है वो भी सामने आ रही है। ललित ने दावा किया था कि भगवान किसी को मरने नहीं देंगे। ललित कहता था कि स्वर्गीय पिता से बात होती है, उनका निर्देश है। ये कहकर ललित ने पूरे परिवार को एक तरीके से अपने बस में कर लिया था, जैसा कि अभी तक की जांच में सामने भी आ रहा है। घर से 200 पेज का रजिस्टर मिला है, और उस रजिस्टर में धार्मिक नोट्स लिखे हुए हैं। 27 मई 2013 से हर दिन के कामकाज का नोट यानी कि उसका जो ब्यौरा है वो इस रजिस्टर में दर्ज है।
घर के सदस्य नोट में लिखी बातों का पालन करते थे और अगर कोई नहीं मानता था तो उसको सजा भी दी जाती थी। घर के रोशनदान में 11 एंगल लगे हुए हैं, घर में खिड़कियां भी 11 हैं। तो ये तमाम जो चीजें हैं वो अभी तक जो बड़ी बातें इस केस से निकलकर जुड़ी हुई सामने आ रही। घर में 11 पाइप लगे हैं, 4 सीधे और पुरुष भी 4 हैं, 7 मुड़े हुए, महिलाएं 7 हैं इस घर में। ललित के प्रभाव में पूरा परिवार था, ये बात अभी तक पूरी तरीके से निकलकर सामने आ रही है। अभी तक की जो जांच हुई है उसमें पूरे परिवार को बहलकाने वाले ललित का एक नया वीडियो सामने आया है। ये वीडियो एक मोबाइल की दुकान का है जहां वो अपने मोबाइल को ठीक करवाने गया था। मोबाइल शॉप पर उसने दुकानदार से बात भी की थी। इस वीडियो को आप देखिए जरा। ये जो शख्स इस तस्वीर में आपको दिख रहा है यही ललित भाटिया है और इस पूरे मामले में जो अपने परिवार को मोल्ड करने वाला, अपने परिवार को मोक्ष के लिए तैयार करने वाला वो यही शख्स है ललित भाटिया। कौन था ये ललित भाटिया, इसकी शख्सियत क्या थी वो हम आपको बता रहे हैं। नारायणी देवी का सबसे छोटा बेटा था ललित भाटिया। इस घर में दो बेटे रहते थे, बड़े वाले जिनकी जो ललित का बड़ा भाई और ललित छोटा। ललित भाटिया की फर्नीचर की दुकान थी, अपनी फर्नीचर की दुकान को बुराई इलाके में चलाता था। ललित भाटिया धार्मिक कर्मकांड में काफी विश्वास रखता था, जैसा कि आसपास के लोगों ने भी पूछताछ में बताया है। ललित मौन व्रत रखता था और इस दौरान जब वो मौन व्रत पर होता था तो वो लिख कर बात किया करता था, यानी किसी से अगर कम्युनिकेट करना है, बात करना है तो वो लिख कर अपनी बात पहुंचाया करता था। ललित रोजाना के कामकाज के लिए अपने धार्मिक नोट्स भी बाकायदा लिखा करता था। उसके धार्मिक नोट्स में लिखी बातों का सभी सदस्य पालन करते थे। हमारे संवाददाता नरेश बिस्वानी ने उस दुकानदार से बात की है जिस दुकान की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। क्या बात की थी ललित ने उस दुकानदार से, वो जरा आप सुनिए। बुराड़ी में हुई 11 लोगों की मौत के मामले में रोजाना नई नई बातें सामने आ रही हैं। अब कुछ सीसीटीवी फुटेज सामने आई हैं जिसमें ललित को देखा जा सकता है। दरअसल दो सीसीटीवी फुटेज हैं, एक 28 तारीख की है और एक 30 तारीख की, यानी कि 30 जून की। ये फुटेज 30 जून की है और आखिरी बार मोबाइल शॉप में ललित को देखा गया था। आप देख सकते हैं ये ललित है और ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। 30 तारीख का फुटेज है और दोपहर के वक्त यहां पर ललित आया था। इससे पहले 28 तारीख की रोज भी इसी मोबाइल की दुकान में वो आए थे। आखिरकार वो क्यों आए थे, दुकानदार के ओनर हैं सुनील जिनसे हम जानते हैं। सर ये बताएं कि वो क्यों आए थे आखिरी बार। सर मेरे पास 30 तारीख को दिन में 12 बजे के आसपास आए थे, ई वॉलेट एयरटेल मनी में पैसे ट्रांसफर करवाने आए थे। उनका पर्सनल काम था, अपने कोई भी रिचार्ज करना हो या मोबाइल के लिए से कोई भी काम हो तो यहाँ आते थे। अक्सर यहाँ 30 तारीख को भी आए थे मेरे पास और 28 तारीख की रात को लेट नाइट आए थे। और 30 तारीख को मुझसे कहे गए थे हाँ दोबारा आना है मेरे को शाम को, लेकिन 30 तारीख को शाम को दोबारा नहीं आए। नेक्स्ट डे जब मैंने न्यूज देखा तो बहुत दुख हुआ मेरे। मोबाइल में एयरटेल मनी में ट्रांसफर कराने आते थे, क्यों आते थे? क्या अपना मोबाइल रिचार्ज का भी काम करते थे? मोबाइल रिचार्ज का काम नहीं, अपना मोबाइल काम नहीं कराते थे, ई वॉलेट में अपने ट्रांसफर एक स्टोर पैसे कर लेते थे वो। अच्छा। जब भी किसी से लेन देन होता था अपने किसी थर्ड पर्सन के में ट्रांसफर करते थे वो, और मोबाइल से कोई भी काम होता था। यहाँ पे अच्छे थे और उस दिन भी जैसे ही आए थे बहुत सिंपल भी आए थे। आप कब से जानते थे? मैं 7 से 8 साल जानता हूँ उन्हें। अच्छा। धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी है, ठीक है, लेकिन बहुत दुख हुआ कि जिस टाइम उन्होंने देखा मैंने कि यहाँ पे ऐसा हादसा हो गया। ये फुटेज है आखिरी बार की 30 तारीख, यानी कि जब ये पूरी बात हुई, जब ये 11 के 11 लोगों की मौत हुई और अगले दिन रविवार की रोज जब पता चला कि ऐसे 11 लोग अपने घर में मृत अवस्था में पाए गए हैं, उससे ठीक पहले की ये फुटेज है और यहाँ पर इनको आखिरी बार देखा गया था। दुकानदार से भी हमने बात की, उन्होंने बताया कि धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान थे और आए दिन वो यहाँ पर आया करते थे अपने ई वॉलेट में पैसा ट्रांसफर कराने के लिए। ये तमाम चीजें पता चली हैं। फिलहाल पुलिस मामले की अलग अलग एंगल से तफ्तीश कर रही है और तफ्तीश के बाद ही इस पूरे मामले पर से पर्दा उठ पाएगा। कैमरा पर्सन हिमांशु ममगाई के साथ नरेश बिस्वानी, इंडिया न्यूज दिल्ली। तो ललित भाटिया का जो आखिरी वीडियो है उसी वीडियो को लेकर हम उस दुकानदार के पास पहुंचे थे जिसने ये बताया कि उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था, कुछ भी गलत या कुछ भी फिशी टाइप ऐसा कुछ भी नहीं था। वो सिर्फ रिचार्ज कराने आए थे, रिचार्ज करा के वापस चले गए थे। वारदात की रात सीसीटीवी में एक डिलीवरी बॉय भी नजर आया था, उसे भी इंडिया न्यूज ने ढूंढ निकाला। उससे बात की है हमारे संवाददाता रजनी शर्मा। इस समय डिलीवरी बॉय ऋषि हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। ऋषि कितने बजे करीब गए थे तुम? सर मैं 10:45 बजे करीब गया था। क्या ऑर्डर क्या आया था उनका? सर ऑर्डर में 20 रोटियां थी और बस रोटियां मंगाई थी, कोई सब्जी नहीं मंगाई? नहीं सर। आप घर पे पहुंचे तो घर का माहौल कैसा था, कौन कौन था? सर मैं घर के अंदर नहीं गया सर, बाहर ही था सर, रोड पे ही। मतलब यहाँ से निकलने से पहले मैंने बैक कॉल कर लिया था सर, तो उन्होंने उनकी लड़की जो थी उन्होंने बोला कि यहाँ पे, तो सर मैं वहाँ पे गया तो उनकी लड़की ने ऑर्डर पिक किया।
बाकी दो लड़के भी खड़े थे साथ में और वो भुवनेश्वर सर थे, वो दुकान क्लोज कर रहे थे। कैसे लग रहे थे, कुछ घबराए हुए थे या सब ठीक था? सर सब ठीक था। जिस रात को आप गए थे उस दिन किसने ऑर्डर प्लेस किया था? सर ऑर्डर उनकी लड़की ने प्लेस किया था, प्रियंका ने। आपने पूछा नहीं कि रोटियां के साथ सब्जी भी ला चाहिए? सर वो हमारे सर होते हैं, वो ऑर्डर लिखते हैं, हमें डिलीवरी करनी होती है। एक चीज बताइए, आप पौने 11 बजे के आसपास वहां पहुंचे थे, आप बताओ प्रियंका और दो लोग और थे वहां पे, कैसा हंसी मजाक कर रहे थे या कुछ कुछ घबराए हुए थे, कुछ लगा ऐसा? नॉर्मल ही था सब। ऑर्डर प्लेस किया था किस टाइम पे उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया था? सर 10:30 बजे रात को, 10:30 बजे प्लेस किया था और आप 5-10 मिनट में लेके चले गए? हाँ सर 15 मिनट में। कुछ और आपने देखा हो वहाँ पे? नहीं सर नहीं। अच्छा एक चीज और बताइए कि क्या वहाँ पे किसी चीज की तैयारी चल रही थी, कुछ सामान उनके हाथों में था, कोई चुन्नी या कुछ और चीजें? जी नहीं सर कुछ नहीं था, सब नॉर्मल था। हाँ सर। देखिए ये ऋषि थे जो बुराड़ी के जो हांडी छड़िया दी जो ये होटल है यहाँ पर ये काम करते हैं, इनके मुताबिक रातों तकरीबन 10:30 बजे के आसपास इन्होंने जो ललित है वहाँ उनके घर से प्रियंका ने ऑर्डर प्लेस किया था, 20 रोटियों का ऑर्डर प्लेस किया था। उसके बाद ये ऋषि उनके घर रोटियां लेके गए थे, रोटियां लेने के बाद उन्होंने इसको भेज दिया, लेकिन जिस दौरान ऋषि रोटियां लेके गया था उस दौरान उन सभी के जो हाव भाव थे वो काफी सामान्य थे, कोई हलचल नहीं थी, कोई गंभीरता नहीं थी, सब लोग काफी खुश थे। कैमरामैन सुंदर के साथ रजनीश शर्मा, दिल्ली इंडिया न्यूज। तो डिलीवरी बॉय ये कह रहा है कि 10:30 बजे करीब फोन आया था ऑर्डर के लिए, उसके बाद 15 मिनट में उसने जो रोटियां थी वो डिलीवर की और उसके बाद वापस लौट गया। उस वक्त ऐसा कुछ भी गलत नहीं लग रहा था, ऐसा डिलीवरी बॉय का कहना है, लेकिन पुलिस की जांच कहती है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं तंत्र मंत्र है और इसी तंत्र ने इस पूरे परिवार की जान ली है। लेकिन वही परिवार की बेटी सुजाता ये कह रही है कि परिवार के लोग सिर्फ भगवान की भक्ति करते थे, बाकी सब बातों को झूठ कह रही है। बाकी जो है हुआ है वो मेरे को अपने प्रभु पे विश्वास है, और जो मेरे गए हैं वो देवी देवता थे वो स्वर्ग गए हैं, मुझे अब कोई दुख नहीं है, कोई दुख नहीं है मुझे। मुझे ये लग रहा है किसी ने धोखा किया, किसी ने किया कुछ किया। मैं अरे उनके घर आती थी क्या, मुझे अब मैं न्यूज में पढ़ के आई हूँ, मेरा ललित भाई जी 5 बजे, अरे 10 बजे उठता था, 10 बजे एक बार तो मैं बिना मिले चली गई, फोन आया दीदी तू चली गई, मैं सो रहा था, मेरे को कोई नहीं बैठे, कुछ शक मुझे सब ही नहीं, कौन कर गया, हमारा दुश्मन मेरे देवताओं को कोई है नहीं, पर कौन करके, गेट खुला था तो आप खुद सोचो, नन्हे बच्चों को मार गया तो कोई है वजह। तो अभी तक जो ये मामला आज डेवलप हुआ है जिस तरीके से, उसके मुताबिक ये बात सामने आ रही है कि सबके पीछे ललित था, ये सारी प्लानिंग भी ललित की थी। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं रजनीश शर्मा, और रजनीश के साथ नरेश बिस्वानी भी मौजूद हैं, हमारे दोनों संवाददाता, दोनों रिपोर्टर्स हैं जो कि पहले दिन से लगातार इस मामले को ट्रैक कर रहे हैं। रजनीश, जो आज डेवलपमेंट हुई है वो ये बता रही है, चाहे वो रजिस्टर के जो बातें हैं उसको खंगाल लें या फिर पुलिस की जांच उसको खंगाल लें, वो बातें अभी सिर्फ ये इशारा कर रही हैं कि इस पूरे मामले का एक तरीके से जो मास्टरमाइंड था, जिसने मोक्ष के लिए पूरी फैमिली को तैयार किया, वो ललित था। जी बिल्कुल, इस पूरे मामले के पीछे अभी तक जो नाम सामने आ रहा है, बार बार उभर के नाम सामने आ रहा है, ललित। आज जब हमने डिलीवरी बॉय से बात की तो उन्होंने भी साफ तौर पे क्लियर किया कि उस दिन हाव भाव बिल्कुल सामान्य थे। नरेश मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है, मेरे सहयोगी, इन्होंने उस रिचार्ज वाले से भी बात की जहां पर ललित उस दिन रिचार्ज करवाने गया था। ललित, नरेश आप उस दुकान पे गए थे, आपकी दुकानदार से बात हुई थी, ललित आया था, क्या कहा था दुकानदार ने, क्या ऐसा कुछ लगा कि वो कुछ गंभीर है, कुछ परेशान है? देखिए मोबाइल शॉप ओनर की अगर हम बात करें तो उसका ऐसा कुछ भी नहीं कहना था, उसका कहना था कि बिल्कुल वैसे ही वो दुकान पर आए थे जैसे अमूमन वो आया करते थे, करीब 7-8 साल से वो जानते थे ललित को, और 28 तारीख की रोज भी वो वहां पर गए थे, उसके बाद 30 तारीख की दोपहर के वक्त वहां पर गए थे, वहां पर अमूमन वो जाया करते थे अपना ई वॉलेट रिचार्ज कराने के लिए, ताकि उनको बार बार जो है उनको रिचार्ज कराने के लिए दुकान पर ना जाना पड़े। हर हफ्ते में करीब 3 से 4 बार वहां पर जाया करते थे और काफी धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान थे, ऐसा बताया है मोबाइल शॉप ओनर ने। उन्होंने कहा कि कई बातें ऐसी होती थी, वो हम उनसे पूछते थे तो हमें उसका बकायदा समाधान भी बताते थे, और काफी शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। इसके अलावा उनकी सीसीटीवी फुटेज में भी देखा जा सकता है कि ऐसी कोई खास परेशानी नहीं है। इसके अलावा रनीश आपने भी बात की थी डिलीवरी बॉय से, उसने भी यही बताया था कि 20 रोटी लेकर के वो यहां पर गया था और 10:30 बजे के आसपास का समय था। इसके अलावा
और भी तमाम चीजें निकल करके सामने आ रही है। अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस तमाम एंगल देख रही है, रजिस्टर से तमाम चीजें सामने आ रही है। रजिस्टर में ये बात पता लगी है कि ललित जो है परिवार पर काफी ज्यादा होल्ड रखा करता था अपना, और हमारे सूत्र ये भी बताते हैं कि मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की भी दिक्कत थी उसको, तो हो सकता है कि परिवार को काफी ज्यादा अपने कॉन्फिडेंस में लेकर के रखा हो, या फिर परिवार को काफी ज्यादा ऑर्डर दिया जाता था, क्योंकि इस तरह की बातें भी बताई गई हैं जो रजिस्टर के माध्यम से पता चली हैं कि उनके सपने में पिताजी आया करते थे उनके, जिनकी मौत 2010 में हो गई थी और साल 2015 से उनको सपने आने शुरू हुए थे जिसमें उनके पिता उनको बताया करते थे, और जैसी जैसी बातें या जैसे जैसे समाधान उनको बताते थे उनको फॉलो बकायदा किया करते थे, और परिवार से भी कहा करते थे कि इन तमाम चीजों को फॉलो करें क्योंकि ये पिताजी का आदेश है। परिवार के लोग भी तमाम तरीके से उस तमाम चीजों को फॉलो करते थे। हालांकि पुलिस इस थ्योरी को मानने को तैयार नहीं है क्योंकि पुलिस का कहना है कि वो एविडेंस के बिना किसी भी तरीके से आगे नहीं बढ़ सकती, लेकिन पुलिस के पास लेकिन एक बात तो पक्की है, एक बात जो है वो अभी तक ये पक्की है कि ललित के प्रभाव में था पूरा परिवार, और ललित ही अभी तक इस पूरे जो मामला है 11 जो मौतें हुई है उनका मास्टरमाइंड ललित ही बनकर सामने आ रहा, हालांकि खुद ललित भी मौत हो चुकी है उसकी, ललित की। उस रात हुआ क्या था, यानी कि शनिवार की रात हुआ क्या था, ये हम आपको बता देंगे ग्राफिक्स के जरिए, हम आपको समझाएंगे कि शनिवार की रात दरअसल हुआ क्या था कि ललित ने परिवार के सदस्यों को साधना करने के लिए कहा, क्योंकि पहले से भी जो परिवार है वो इस तरह के धार्मिक कर्मकांडों में लिप्त रहता था, तो ललित ने उस रात भी तैयार किया परिवार को। ललित ने कहा कि साधना के जरिए भगवान के दर्शन हुए, साधना के लिए परिवार के सदस्यों को फांसी के फंदे पर लटकने के लिए कहा, ये सब सूत्र बता रहे हैं और हम आप तक ये चीजें पहुंचा रहे हैं। साधना के जरिए भगवान के दर्शन हुए, साधना के लिए परिवार के सदस्यों को फांसी के फंदे पर लटकने के लिए कहा, ये सब सूत्र बता रहे हैं और हम आप तक ये चीजें पहुंचा रहे हैं। ललित ने कहा था कि साधना वाले दिन घर में खाना नहीं बनना चाहिए और इसीलिए जो खाना है वो बाहर से मंगाया गया। हमारे दोनों संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं, मैं वापस उन्हीं के पास चलूंगा। रजनीश, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, अभी तक ये बात तो साफ हो गई है जैसा कि आप भी बता रहे हैं, नरेश भी बता रहे हैं कि ललित था जो की पर्सन था इस पूरे मामले को लेकर, उसका होल्ड था अपनी पूरी फैमिली पर और उसी होल्ड के चलते ये सब कुछ हुआ। क्या पुलिस अभी इस बात को भी मान रही है कि क्या कोई ऐसा शख्स था जिसका ललित पर होल्ड था, या इसको रूल आउट कर रही है? देखिए रोहित, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस के सूत्रों से मेरी सुबह भी बात हुई थी और उन्होंने हमें ये बताया कि इस पूरे मामले के पीछे अभी तक जो नाम सामने आ रहा है वो ललित का ही नाम सामने आ रहा है, और ललित का पूरे जो परिवार था उस पर होल्ड था। ललित जो कहता था परिवार वो ही मानता था, क्योंकि ललित ये प्रिटेंड करता था कि जो पिता उसके जो मृत पिता है उनकी आत्मा उसके अंदर आती है, एक वो हफ्ते में किसी एक दिन सब लोगों को सामने बिठाता था और उसके बाद वो इस तरीके से प्रिटेंड करता था और दर्शाता था कि उसके अंदर उसके पिता हुए और जो वो बातें बोल रहा है उसके पिता बोल रहे हैं, ऐसा इमोशनली एक तरह से कह रहे हैं इमोशनली ब्लैकमेल भी परिवार को कर रखा था और उनके दिमाग पर होल्ड कर दिया था कि उनके पिताजी उनको ये ऑर्डर कर रहे हैं और वो इसको माने। साथ ही जो दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के जो अधिकारी हैं उनके मुताबिक अभी तक की जांच में घर के अंदर कोई भी ऐसा क्लू नहीं मिला है जिसमें यह कहा जाए कि कोई बाहर का शख्स अंदर आया हो, लेकिन दिल्ली पुलिस को यह शक है क्योंकि इस पूरे जो मामले के पीछे मेन गेट खुला हुआ था, फर्स्ट फ्लोर का गेट खुला हुआ था, तो दिल्ली पुलिस यह भी मान के चल रही है कि हो सकता है कि कोई बाहर का शख्स आया हो, क्योंकि जब कोई आत्महत्या करता है तो वो कभी भी अपने गेट खुले नहीं छोड़ता, गेट बंद रखता है, और अगर गेट खुले हैं तो जाहिर तौर पे किसी ना किसी की एंट्री हुई होगी या ये शक कर रही है पुलिस, लेकिन अभी तक जांच में किसी भी ऐसे शख्स का नाम या क्लू नहीं मिला है दिल्ली पुलिस को कि जिसपे शक किया जाए कि वो इस घर में दाखिल हुआ हो। नरेश की सुबह भी जो दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के अधिकारी उनसे बात हुई थी, नरेश सुबह आपकी बात हुई थी क्राइम ब्रांच के अधिकारी से, क्या उन्होंने अपडेट दिया? उन्होंने यही बताया था कि अभी तक की जांच में और जिस तरीके के सबूत या सुराग मिले हैं उनको रजिस्टर के माध्यम से, उसे यही पता चलता है कि बाहर का कोई शख्स अंदर नहीं आया था, दरवाजे दोनों खुले थे, हालांकि फिर भी पुलिस को ऐसा कोई पुलिस संदेह जाहिर नहीं कर रही कि बाहर का कोई शख्स अंदर आया हो, और जो रजिस्टर में चीजें पता लगी उसे यही पता चलता है कि परिवार के जो तमाम लोग हैं उन्होंने या तो मजाक में एक दूसरे के हाथ बांधे और जैसा जैसा ललित कहता गया वैसा करता गया, मतलब साफ है कि कोई जानता नहीं था कि उनकी मौत होने वाली है, सबको ऐसा लग रहा था कि ललित जो घर का एक तरह से कहा जाए कि मुखिया की तरह व्यवहार करता था, अगर वो इस तरह की बात कह रहा है तो किसी को इस बारे में कोई शक नहीं था कि किसी की मौत होने वाली है, लिहाजा अभी तक की जांच में किसी आउटसाइडर का कोई इसमें फाउल प्ले लग नहीं रहा है और यही लग रहा है कि सभी लोग अपनी मर्जी से फांसी के फंदे पर लटके थे
और इसी के चलते उनकी मौत हुई है। रोहित, रोहित मैं यहाँ पे एक चीज और इसमें ऐड करना चाहूंगा नरेश की बात में, कि दिल्ली पुलिस ने अभी क्लीन चिट नहीं दी है कि कोई बाहर का शख्स नहीं आया था, वो भी शक के बिना पर जांच कर रही है कि गेट आखिर क्यों खुला हुआ था। इस ये जो प्रश्न है दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के दिमाग में खटक रहा है और इसी एंगल से भी दिल्ली पुलिस अभी भी जांच कर रही है। लेकिन अब जी ठीक है बिल्कुल, तो दिल्ली पुलिस की जांच अभी जा रही है, लेकिन अभी तक की जो जांच में बातें सामने आई हैं वो सीधा ललित की ओर ही इशारा कर रहे हैं।